देखिए दोस्तों, मैं इसको कट करके आपको दिखाता हूँ इसको स्टार फ्रूट क्यों कहते हैं। पूरी शेप इसकी स्टार की तरह आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। और जो ये आप फ्रूट देख रहे हैं, तो दोस्तों ये फ्रूट काफ़ी अनकॉमन है, ईजली मार्केट में मिलता नहीं है। और इसे कहते हैं कैरम्बोला, और कमरख नाम से भी जानते हैं इसको। और काटने पर ये स्टार की तरह, जब इसको बीच में काटते हैं तो स्टार की शेप आती है, तो इसको हम स्टार फ्रूट भी के नाम से भी जानते हैं। और 80% से ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं, और ना ही इन्होंने खाया होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक फ्रूट थाईलैंड, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में काफ़ी पॉपुलर है, और काफ़ी वायरल भी हुआ था बीच में। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी। देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है, देख सकते हैं डायरेक्टली ज़मीन में लगा हुआ है, 10 से 15 साल पुराना होगा। और इसकी हाइट ईजली 15 से 20 फीट चलेगी होगी। बट आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, बट उसमें फ्रूटिंग कम होगी, जिसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल लेनी पड़ेगी, जिसमें वाटर ईजली ड्रेन हो जाए। ये एक विंटर का फ्रूटिंग प्लांट है। देखिए अभी दिसंबर के 31 तारीख है, और ये फ्रूट पकने वाले हैं, और ये पक भी गए हैं। डायरेक्ट सनलाइट में जो फ्रूट्स हैं वो पक गए हैं, और जो अभी यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी घना है, तो यहाँ पे ये नीचे नहीं पके हैं अभी। और ये देखिए पक पक के जो फ्रूट हैं, नीचे भी गिर रहे हैं। ये देखिए नीचे भी गिर रहे हैं ये फ्रूट्स। और यहाँ तक बात की जाए दोस्तों इसकी प्रोपगेशन की, तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी खट्टा होता है, और पकने पर खट्टा मीठा होता है। इसके हम कंजप्शन डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये पक चुका है। और इसका मुरब्बा, अचार की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं, अचार भी बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा अचार बनेगा, और काफ़ी टेस्टी भी है। और प्रोपगेशन की मैं बात कर रहा था, इसमें देखिए शायद दिख भी जाए, ये देखिए छोटे से सीड्स भी हैं, सीड्स के थ्रू भी प्रोपगेशन कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट अगर हम इसकी एयर लेयरिंग कर दें, एक अच्छी सी इस टाइम की इसकी एयर लेयरिंग कर दें यहाँ पे, थोड़ा कट मार के मॉइस्चराइज़ लगा के पन्नी के बाद दें मानसून सीजन में, तो इसकी रूट यहाँ से डेवलप हो जाएंगी। फिर कट करके हम इसकी एक नया प्लांट रेडी हो सकता है। और जहाँ तक बात की जाए इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ये फ्रूटिंग प्लांट है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों फ्रूटिंग की जहाँ बात की जाए, तो भर की फ्रूटिंग हुई इसमें, गुच्छों में होती है। यहीं पे देख सकते हैं आप 200-300 फ्रूट होंगे, जो पक्के नीचे भी गिर रहे हैं, एक साथ चार चार पाँच पाँच लगे हुए हैं, जो अब येलो होने वाले हैं। और अभी है दिसंबर का 31 दिसंबर, कल से न्यू ईयर है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और ये आई थिंक जनवरी 15 तक सारे पक जाएंगे, इसकी फ्रूटिंग होती है विंटर में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। देखिए दोस्तों, मैं इसको कट करके आपको दिखाता हूँ इसको स्टार फ्रूट क्यों कहते हैं। देखिए मार्केट में फ्रूट चाट भी मिलता है इसका, आप इसमें ऐसे कट करके मसाला चाट डालिए। देखिए पूरी शेप इसकी स्टार की तरह आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रहा है, तभी इसको स्टार फ्रूट कहते हैं। ये देखिए ये हमारे पास कितने ज़्यादा स्टार हो गए हैं, देखिए देख सकते हैं। ये देखिए कैसे कट करेंगे, ये देखिए स्टार, वन मोर स्टार।